नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता विमर्श और मैं प्रवीण कुमार। भारत और चीन के हिंसक झड़प के बीच एक रोचक खबर यह आई है कि वन प्लस मोबाइल जो उसका जो लेटेस्ट वर्जन है, अमेजन इंडिया के साइट पर उसकी सेल लगी थी, तो अमेजन इंडिया ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक चंद मिनटों में वो सेल पर जो मोबाइल की जो यूनिट्स लगाई थी वो खत्म हो गई। तो सवाल ये उठता है कि एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट का हम बहिष्कार करें, तो और दूसरी तरफ ये 50,000 से ऊपर की जो मोबाइल है वन प्लस की, उस वो लोग हाथों हाथ खरीद रहे हैं ऑनलाइन, तो ये बड़ा कंट्राडिक्ट कर रहा है चीज़ों को। अब सवाल ये उठता है कि वाकई हम लोग बड़े इमोशन में जीते हैं, अजीबोगरीब तरीके से सोच लेते हैं कि और मसाल लेकर निकल पड़ते हैं कि आज तो सारे चीनी प्रोडक्ट्स में आग लगा ही देना है, लेकिन जब आग में मेड इन चाइना मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट और घर के दीवारों पर जो शोभा बढ़ाती है LED स्मार्ट TV, तो उसको जब आग में डालने की बात होती है तो उस समय हमारे होश फाख्ता हो जाते हैं, यानी ये तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, अगर हम इसको आग में डाल देंगे तो हमारी जिंदगी तो मतलब रुक जाएगी, ठहर जाएगी। और फिर हम क्या करते हैं कि जो जिस मतलब भावना के साथ हम निकले थे मसाल लेके जलाने के लिए, तो उसमें क्या है कि वो सी जिनपिंग का जो पुतला लेके आते हैं उसको डाल देते हैं और उसको आग के हवाले करके, और हम बहुत खुश हो लेते हैं कि चलो चीन का बहिष्कार हमने कर दिया। लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है, जिसे देश की जनता समझ नहीं पा रही है या समझना नहीं चाहती है। वो ये भी नहीं समझ पाती है कि चीन बार बार हमारी पीठ में छुरा घूमता है और हमारी सरकार चीनी सामान का आयात बंद क्यों नहीं करती है, और अगर आयात बैन नहीं कर सकती है तो फिर सरकार हमें आत्मनिर्भरता का पाठ क्यों पढ़ा रही है। हम इस चीज को भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो लोग सीधे तौर पर सोच लेते हैं कि भारत चीन के लिए एक बड़े बाजार के तौर पर यहाँ पर है, और अगर भारत उसके सामान को खरीदना बंद कर दे और उसके सामान का बहिष्कार कर दे तो उसकी आर्थिक कमर टूट जाएगी, और आर्थिक कमर टूट जाएगी तो वो इस तरह के कदम नहीं उठाएगा। लेकिन यहाँ पर हकीकत जो है, जमीनी हकीकत, वो कुछ और है। अगर सच बात तो यह है कि भारत किसी भी देश का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट को बंद नहीं कर सकता है सीधे तौर पे, क्योंकि इसके पीछे जो वजह है वो है विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो नियम है उसके मुताबिक अगर किसी देश की सरकार या आयात या निर्यात को एकदम से बंद नहीं कर सकते हैं, अगर ऐसा होने लग जाए तो पूरा का पूरा ग्लोबलाइजेशन जो सिस्टम है इकोनॉमी का वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि चीनी कंपनियों के प्रोडक्ट्स की घुसपैठ जो है भारत के बाजार में इस कदर हो चुकी है कि उसका निकलना कठिन ही नहीं है, उसको निकालना मतलब असंभव है। तो इसको समझने के लिए हमें इन आंकड़ों पर गौर फरमाना जरूरी है। स्मार्टफोन की बात करें तो भारत में इसका बाजार 2,00,000 करोड़ रुपए का है और इसमें 72% हिस्सा चीनी कंपनियों के प्रोडक्ट का है। अगर आप विकल्प की बात करेंगे तो इस मामले में भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि चीन के ब्रांड हर प्राइस सेगमेंट में और R&D में काफी आगे हैं। भारत में टेलीविजन का बाजार करीब 25,000 करोड़ रुपए का है। इसमें चीनी कंपनियों की स्मार्ट टीवी की हिस्सेदारी 42-45% है। नॉन स्मार्ट टीवी की हिस्सेदारी 7-9% है। भारत इस बाजार को तोड़ तो सकता है, लेकिन ये काफी महंगा पड़ेगा, क्योंकि भारत की तुलना में चीन की स्मार्ट टीवी 20-45% तक सस्ती है और भारतीय खरीदार की जेब इसके लिए तैयार नहीं है। भारत में टेलीकॉम इक्विपमेंट का बाजार 12,000 करोड़ रुपए का है। इसमें चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी 25% के आसपास है। इस बाजार को भी भारत तोड़ सकता है, लेकिन ये भी काफी महंगा पड़ेगा। इसी तरह से होम अप्लायंस की बात करें तो इस सेगमेंट का मार्केट साइज 50,000 करोड़ रुपए का है। इसमें चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी 10-12% है। भारत के लिए इस बाजार को भी अपने कब्जे में किया जा सकता है, लेकिन चीन के बड़े ब्रांड काफी सस्ते में भारत में उपलब्ध हैं। ऑटो कंपोनेंट सेगमेंट का मार्केट भारत में 57 अरब डॉलर का है। इसमें चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी 26% है।
भारत के लिए इस बाजार को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि R&D पर काफी पैसा खर्च करना होगा, जिसके लिए भारत की कंपनियां तैयार नहीं हैं। यही हालत सोलर पावर मार्केट की है। इस मार्केट का साइज 37,916 मेगावाट का है। इसमें चीन की कंपनियों का हिस्सा 90% है। भारत के लिए ये इसलिए मुश्किल है क्योंकि घरेलू स्तर पर उत्पादन काफी कमजोर है, और विकल्प बना भी लिया तो चीन की तुलना में काफी महंगा होगा। अब बात करते हैं दवा कारोबार की। भारत में फार्मा API का मार्केट साइज $2 अरब का है। इसमें चीन की कंपनियों की हिस्सेदारी 60% है। फार्मा सेक्टर के जानकारों का कहना है कि इस मार्केट में चीन को पछाड़ना नामुमकिन है, क्योंकि अन्य सोर्स काफी महंगे हैं और साथ ही रेगुलेटरी मुश्किलें भी गंभीर हैं। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी कोरोना महामारी से निपटने के लिए कई अहम उपकरणों जैसे कि इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर आदि चीन से ही मंगाए जा रहे हैं। मतलब जो प्रोडक्ट बाजार में 10 रुपए में मिल रहा हो, वही प्रोडक्ट अगर चीन 5 से 6 रुपए में देने के लिए हमारे बाजार में बैठा हुआ है, और हमारे देश के 85% आबादी की प्रति व्यक्ति आय इतनी कम है कि वह चाहकर भी उस प्रोडक्ट को अपनी जिंदगी से बाहर नहीं कर पाता है, तो इसके मायने ये भी हैं कि अगर हम बेहतरीन फीचर वाले स्मार्टफोन स्मार्ट TV के स्क्रीन पर खेलना बंद करने की ठान लें तो चीन से हारी बाजी को पलटा जा सकता है, क्योंकि स्मार्टफोन स्मार्ट TV ने हमारी जिंदगी को गुलाम बना दिया है। हर शख्स घर में आटा से पहले मोबाइल में डाटा की चिंता करता है। हमारी हार का सिलसिला यहीं से शुरू होता है, और इस वक्त चूंकि कोरोना काल चल रहा है और इसमें हर व्यक्ति लॉकडाउन की मार झेल रहा है, जेब में पैसे लोगों के पास नहीं है, हर कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, तो इस दौर में अगर बात करें कि भाई मोबाइल वो चीनी चाइना मोबाइल हटा दें या उसका लैपटॉप हम यूज ना करें या उसका स्मार्ट TV हम यूज ना करें, तो फिर जिंदगी वाकई ठहर जाएगी। क्योंकि आप देखें कि स्मार्टफोन जो है या लैपटॉप है, वो जो हमारा बजट है उस बजट में वो चीज़ें आ जा रही हैं। यही साइकोलॉजी है, बाजार की साइकोलॉजी है। चाइना ने इस साइकोलॉजी को रीड किया और उसको हमारे पॉकेट के हिसाब से उसने हमारे सामने चीज़ें रखी। चीनी उत्पाद को बेदखल करने के लिए, भारतीय बाजार से बेदखल करने की जो सोच है हमारी, जमीन को चांद पर उतारने जैसी जो सोच है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसको थोड़ा इन तथ्यों से हम समझ सकते हैं। चीन भारत व्यापार के जानकार मानते हैं कि विरोध के बीच देश को व्यवहारिक अड़चनों को दूर करना होगा। उसे कई स्पेशल इकोनॉमिक जोन तैयार करने होंगे ताकि हम पहले आत्मनिर्भर बने। ऐसे जोन में सस्ती जमीन उपलब्ध कराकर सरकार उद्यमियों को GST में डिस्काउंट देकर टैक्स हॉलीडे प्रदान करे, श्रम कानूनों को आसान बनाए, तो इस तरह से धीरे धीरे हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं और चीन के ऊपर हमारी निर्भरता समाप्त हो सकती है। 1962 के बाद से ही हमारी सरकारों ने इस दिशा में काफी काम किया भी, लेकिन जब से हमने नेहरू की मिक्स्ड इकोनॉमी को छोड़कर पूंजीवादी आर्थिक उदारीकरण के दौर में प्रवेश किया, और पिछले एक दशक में जिस तरह से डिजिटलाइजेशन के मकड़ जाल में खुद को फंसाया, हमारी निर्भरता चीन पर लगातार बढ़ती गई। मतलब हमें अपनी पॉलिसी में बदलाव करना होगा। आर्थिक उदारीकरण और डिजिटलाइजेशन के दौर में हमने अपनी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को भी भुला दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि आज तमाम अंग्रेजी दवाओं के लिए चीन से हम कच्चा माल लेते हैं, और वैक्सीनेशन के लिए बिल गेट्स की हेल्थ केयर कंपनियों पर निर्भर हैं। तो अगर हमें इससे पार पाना है तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि चीनी कच्चा माल और वैक्सीनेशन के लिए बिल गेट्स की हेल्थ केयर कंपनियों पर निर्भरता कम की जा सके। बहरहाल हमने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से चीनी प्रोडक्ट हमारी जिंदगी की रोजमर्रा में घुसा हुआ है और हम उसे किस तरह से अपनी जिंदगी से निकालने में सक्षम हो पाएंगे। एक उपाय तात्कालिक है और एक उपाय दीर्घकालिक है। तात्कालिक उपाय में नुकसान ज़्यादा है और एक हद तक कहें तो वो संभव नहीं है आज के दौर में, और दीर्घकालिक जो उपाय हैं उसको हम अपना सकते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि शांत चित्त से भारत आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़े और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करे और फिर चीन को अपने बाजार से
बेदखल करें, क्योंकि इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि चीन कोई एक दिन में इस स्थिति में नहीं पहुंचा है कि आपके बाजार पर कब्जा कर रखा हो। पूरी दुनिया में उसने बहुत सारे पैसे लुटाए हैं, लुटाने की बात तो नहीं कह सकते कि मतलब, लेकिन उसने पैसे दे के वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके और फिर जो है वहां उसकी पूरे बाजार पर कब्जा किया है। तो चाइना का जो पूरा इतिहास, आर्थिक इतिहास खंगालेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी और फिर उस हिसाब से हम अपना निर्णय ले सकते हैं। लेकिन इमोशन में ना आए, हमारी यही सलाह है, भावना में बहने से काम नहीं चलेगा। ये वक्त भावना में बहने का नहीं है, गंभीरता से सोचने का है।